और इस बीच रुख करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सिटी के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ को विकसित करना चाहते हैं। माननीय टंडन जी यहां के सांसद रहे, आदरणीय अटल जी लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को देने का गौरव लखनऊ को प्राप्त है। आज देश के गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लखनऊ का स्वरूप वास्तव में प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी के अनुरूप और गौरव लखनऊ को प्राप्त हो, इस जिससे स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ को विकसित करना और लखनऊ के माध्यम से यहां की जनता की उन बुनियादी सुविधाओं का समाधान होना जिसको पिछली सरकारें जान बूझ करके शरारतन यहां की जनता को जिनसे किसी न किसी कारणों से राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत जिसे वंचित रखती थी उन सुविधाओं को यहां बहाल करना आज एक बार हम सबकी प्राथमिकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बने और माहौल लखनऊ से प्रदान किया जाना है। लखनऊ देश का एक ऐसा महानगर बने जो अपने आप में एक रोल मॉडल बने उनके सामने, पूरे देश के सामने, सभी नगरों के सामने, प्रदेश के 653 नगर निकायों के सामने कि लखनऊ के विकास को देख करके, लखनऊ के मॉडल को देख करके, लखनऊ की ट्रैफिक की व्यवस्था को देख करके, लखनऊ की जन सुविधाओं को देख करके, लखनऊ की सड़कों को देख करके, लखनऊ की स्ट्रीट लाइट को देख करके अन्य लोग उसका अनुसरण करते हुए दिखाई दे। और इस दृष्टि से जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आप लोग इससे पहले भी गठित करते रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में और आज की तुलना में अंतर है। पहले सरकारें मदद नहीं करती थी, सपा और बसपा ने 15 वर्षों तक शोषण किया, इन नगर निकायों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। सफाई का ठेका नगर विकास मंत्रालय से होने लग गया था। स्वाभाविक रूप से स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की पूरी कार्रवाई दरी की दरी रह जाती और वही हुआ। आज जब प्रदेश के अंदर एक सरकार जो सचमुच आम जन के हितों को संरक्षण देने के लिए आई है, एक सरकार जो आपको बुनियादी सुविधाओं के साथ जोड़ना चाहती है, एक सरकार जो केंद्र और प्रदेश के पैसे को आपके बीच में सीधे भेज करके विकास की योजनाओं के माध्यम से नगर निगम बोर्ड के माध्यम से करवाना चाहती है, इस दृष्टि से आप सबका सहयोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में, नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित बोर्ड के गठन में अत्यंत आवश्यक है। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाई बहनों, प्रदेश के अंदर किस प्रकार की एक मानसिकता थी, मैं केवल दो उदाहरण आपके सामने दूंगा। एक उदाहरण है जो प्रदेश के अंदर पटरी व्यवसायी, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले व्यापारियों का, इनके बारे में चर्चाएं तो होती थी लेकिन इनके बारे में कभी ये चर्चा नहीं होती थी कि इनका व्यवस्थित पुनर्वास भी हो, उनका व्यवस्थित पुनर्वास हो सके और सड़कें हमारी अतिक्रमण से मुक्त भी हो सके। पहली बार हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर इन 8 महीनों के दौरान उनका सर्वे करा करके उनको रजिस्टर्ड कर लिया है और इसके बाद हमारी कार्रवाई चलेगी कि उनकी आजीविका पर भी आंच न आने पाए, हम उनका व्यवस्थित पुनर्वास भी करा सकें और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करा करके उसका वह स्वरूप दे सकें जिससे आवागमन सामान्य हो सके, सड़कें जाम से मुक्त हो सके। और दूसरा कार्य जो हम लोग देखते थे प्रदेश के अंदर, नौकरशाही का एक धरना होता है हर कार्य को लटकाने का। मुझे याद है जब हमारी सरकार आई थी उसके कुछ दिनों के बाद जब सावन का माह आया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कावड़ यात्रा चलती है, मैं देखता था उस समय, मैंने सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा चलती है, 3 से 4 राज्यों की जनता आती है, उन राज्यों के साथ एक संयुक्त बैठक भी होती है। जो बैठक हुई, बैठक में तय हुआ कि कावड़ यात्रा पहले तो यह हुआ कि इसको कम कैसे किया जाए, दूसरा फिर यह तय हुआ कि इस कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार का न हम बाइक माइक बजाने देंगे,
ना हम शंख बजाने देंगे, ना घंटा बजाने देंगे, ना किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। मैंने जब पूछा कि क्या बैठक हुई तो मुझे बताया गया कि बैठक हो गई, इस प्रकार के आदेश जारी हो रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा था देख करके कि हम आखिर किस प्रकार की व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां पर हम धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार अपने नागरिकों को नहीं दे पा रहे हैं। और फिर मैंने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा उन सभी राज्यों को यही लखनऊ में बुला दीजिए एक बार मेरे साथ। 3 दिन के अंदर सभी राज्यों को बुलाया गया, बैठक प्रारंभ होकर के प्रस्तावना इससे पहले रखी जाती। मैंने उन लोगों को कहा, मैंने कहा भी देखो ये सावन में कावड़ यात्रा जो निकलती है ये शिव की यात्रा है, सौ यात्रा नहीं। इसमें माइक भी बजेगा, घंटे भी बजेंगे, संघ भी बजेंगे। और यही नहीं, इस बात को भी नोट करना कि जो ये यात्रा निकलेगी, इस यात्रा में जो भी शिव भक्त जाएगा, कावड़ यात्री जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प की वर्षा भी आप लोग करेंगे और उसके माध्यम से निगरानी भी करेंगे। ये व्यवस्थाएं बंद होनी चाहिए। जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की एक प्रवृत्ति पिछले 15 वर्षों के दौरान पनपी है, इसको हम प्रदेश के अंदर कतई नहीं चलने देंगे। और इसीलिए आज उसी का परिणाम है, पिछली सरकारें पीठ थपथपा रही हैं कि 5 वर्षों में उन्होंने 29,000 आवास बनाए। मुझे हंसी आती उन लोगों पर। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 8 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर 11 और 7 वर्षों तक इस स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस का दायित्व तो भी ईएसएल के ऊपर होगा। यानी हम लोगों ने बिना पैसे खर्च किए हुए एक अच्छी व्यवस्था हम नगरीय क्षेत्रों में देना चाहते हैं। और हम लोग तो चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर हमारे सभी 653 नगर निकाय की इकाइयां ऐसे ही जगमगाएं जैसे इस बार आप लोगों ने दीपावली के अवसर पर अयोध्या को देखा होगा। अयोध्या की तरह ये हर दिन हर नगर निकाय में दीपावली जैसा पर्व दिखाई दे, हमारे नगर जगमगाते हुए दिखाई दे। लखनऊ राजधानी है तो भी बिजली मिल जाती थी, अन्यथा अन्य नगरों में बिजली नहीं मिलती थी। प्रदेश के अंदर बिजली देने में भेदभाव होता था, 4 घंटे 5 घंटे किसी जिले में आ गई तो वे लोग अपने को बड़े खुशकिस्मत मानते थे। लेकिन प्रदेश के अंदर हम लोगों ने व्यवस्था बनाई, हम लोगों ने कहा बिजली मिलेगी तो पूरे प्रदेश में समान रूप से मिलेगी। आज मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 के 75 जनपद मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युतीकरण के साथ जोड़ा है। हमारी सरकार ने आने के बाद सभी तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे विद्युतीकरण के साथ जोड़ा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। ये प्रक्रिया विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें आप सबका सहयोग और आप सबका समर्थन हमारी सरकार को चाहिए। आपके आशीर्वाद से सरकार बनी है और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि प्रदेश को देश का में प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाने में जब 22 करोड़ हाथ एक साथ मिलकर के आगे बढ़ पड़ेंगे तो कोई भी आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा, आपकी समृद्धि को रोक नहीं पाएगा। और समृद्धि का ये रास्ता निकलता है नगर निकाय इकाइयों से, इन नगरीय क्षेत्रों से जाता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी इसी रूप में आपके पास दिए हैं। यहां पर हमारी महापौर पद की प्रत्याशी श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी आपके बीच में है, आप सब जानते हैं। इनका परिवार बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, विचार परिवार के साथ जुड़ा रहा है। इनके पतिदेव माननीय विधायक के रूप में इस क्षेत्र की सेवा किए, लखनऊ में सेवा किए, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई पद मिला हो न मिला हो लेकिन पार्टी के साथ सेवा कर सदैव केवल एक निष्ठा के साथ विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मूल्य और आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसके लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति फांसी का फंदा होता है और न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को मार डालता है। इसलिए कभी भी उस सिद्धांत विहीन राजनीति पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। एक निष्ठा एक विचारधारा के साथ
सदैव जुड़ी रही हैं और आज उनके परिवार के अनुभवों का लाभ लखनऊ को मिलेगा। लखनऊ में एक योग्य मेयर और उनके साथ सामने बैठे हमारे पार्षद पद के सभी प्रत्याशी जो आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको जिताने में आप सभी योगदान दें, क्योंकि बोर्ड पूर्ण गठित होगा तो संयुक्ता जी को आसानी होगी बोर्ड के माध्यम से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में। लखनऊ के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे बेहतरीन हो सके, लखनऊ की सड़कें कैसी चौड़ी हो सके, जन निकासी की व्यवस्था कैसे अच्छी हो सके, घर घर पेयजल शुद्ध उपलब्ध कैसे हो सके, कैसे हम गोमती माता को अविरल और निर्मल बना सके, इन सब योजनाओं को लागू करने के साथ साथ लखनऊ को स्मार्ट सिटी के रूप में दुनिया के बेहतरीन शहर और नगर के रूप में हम विकसित कैसे कर सकें, यह कार्य संयुक्ता जी के नेतृत्व में आप सबको करना है। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि आप सब मेयर पद के लिए श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजिए और उनके सहयोग के लिए सामने बैठे हमारे पार्षद पद के कमल निशान के साथ आए हुए इन पार्षदों को भी चुनाव जिता करके भेजिए। यही अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार आगे का क्या कुछ रोडमैप के अनुसार काम करेगी और पिछली सरकार ने कितनी रुकावट की है, ये सारी बातें कह रहे थे और आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से विकास कार्य होंगे। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी ने वोट मांगे।